हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल पावर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे इलेक्ट्रिकल हैंड टूल के बारे में। दोस्तों, यह सवाल इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। इलेक्ट्रिकल हैंड टूल तीन प्रकार के होते हैं, पहला हैंड टूल, दूसरा पावर टूल, तीसरा मेजरिंग टूल। तो दोस्तों, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, पहले मैं आपको शॉर्ट में इनका अंतर बता देता हूँ कि इनके अंतर्गत कौन कौन से टूल आएंगे, फिर मैं आपको डिटेल्स में एक एक टूल्स के बारे में बताऊंगा। तो पहला है हैंड टूल्स, इसके अंतर्गत जैसे प्लायर, हैमर, पेचकस हो गया। पावर टूल, पावर टूल के अंतर्गत जैसे इलेक्ट्रिक से चलने वाली चीज़ें, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, ग्राइंडर, ये सब आते हैं। और मेजरिंग टूल है, इसके अंतर्गत जैसे मेगर हो गया, मल्टीमीटर हो गया। तो दोस्तों, अब मैं एक एक टूल्स के बारे में विस्तार से बताता हूँ। तो पहला है हैंड टूल, हैंड टूल के अंतर्गत पहला टूल्स है इंसुलेटेड कम्बिनेशन प्लायर। दोस्तों, ये प्लायर कई प्लायर का कम्बिनेशन होता है, इससे कई कार्य किए जा सकते हैं, जैसे किसी तार को काटना, मोड़ना तथा किसी वस्तु को पकड़ने तथा छोटे छोटे नट बोल्ट को खोलने कसने के भी काम में लिया जाता है। दूसरा है साइड कटिंग प्लायर, इस प्लायर का उपयोग खास तौर से तार को काटने के काम में आता है, इसके दो जबड़ों के बीच में एक कटिंग एज बनी होती है। तीसरा टूल है लॉन्ग नोच प्लायर, इस प्लायर के जबड़े लंबे होते हैं तथा आगे की ओर निकले होते हैं, इसका प्रयोग किसी तंग स्थान या छोटे हिस्से के भाग को पकड़ने के काम आता है, बिजली एवं रेडियो मैकेनिक इसे अधिक प्रयोग करते हैं। चौथा टूल है स्क्रू ड्राइवर, इसको पेचकस भी कहते हैं। स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग कई प्रकार के पेचों को कसने तथा खोलने के लिए किया जाता है, ये अनेक आकार एवं प्रकार के आते हैं, जैसे फ्लैट टाइप, स्टार टाइप, इंसुलेटेड, नॉन इंसुलेटेड। इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर के सैक में इंसुलेशन चढ़ा होता है, इलेक्ट्रीशियन को इंसुलेशन युक्त पेचकस ही प्रयोग करना चाहिए। पाँचवा टूल है वायर स्ट्राइपर, इस टूल का प्रयोग विभिन्न मोटाई के तारों को छीनने के लिए किया जाता है, इसमें एक गेज सेटर लगाता है जिसकी सहायता से इंसुलेशन छीनने वाले तार का गेज सेट किया जाता है। छठवां टूल है बॉल पिन हैमर, यह इलेक्ट्रीशियन में ज़्यादा प्रयोग होने वाला हैमर है, इसे हथौड़ी भी बोलते हैं। इसके ऊपर एक गोल गेंद की तरह जो दिख रहा है, इसी को बॉल पिन कहते हैं। इससे दीवार में गिट्टी व रिवेटिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 500 ग्राम का हैमर प्रयोग करना चाहिए। सातवां टूल है कोल्ड चीजल, इसे छेनी भी कहते हैं। बिजली का काम करते समय छेनी का इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है, ज़्यादातर इसका इस्तेमाल दीवारों में झीरी लगाने व ईंटों को तोड़ने के लिए किया जाता है, ताकि वहाँ से तारों को आसानी से ले जाया जा सके। आठवां टूल है क्रिम्पिंग टूल, इसका प्रयोग तारों के सिरों में लग लगाने तथा लग के सिरों को अच्छी तरह पंच करने के लिए किया जाता है। नवा टूल है स्पाइनर सेट, इसे पाना भी बोलते हैं, इसका प्रयोग नट बोल्ट को खोलने व कसने के लिए किया जाता है। पाने भी कई प्रकार के आते हैं, जैसे ओपन स्पाइनर, रिंग स्पाइनर तथा एडजस्टेबल स्पाइनर। ओपन स्पाइनर में इसका मुख खुला होता है, रिंग स्पाइनर यह गोल होता है तथा इसकी पकड़ अच्छी होती है। एडजस्टेबल स्पाइनर, इस स्पाइनर में हम आवश्यकता अनुसार आकार को घटा बढ़ा सकते हैं तथा एक इसमें एक घेरी लगी होती है जिसे घुमाने पर इसका आकार बढ़ता तथा घटता है। नेक्स्ट टूल है हेक्सा, यह लोहा एवं पीवीसी पाइप को काटने के काम आता है, इसमें एक फिक्स ब्लेड होल्डर और एक एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर होता है जिसमें ब्लेड लगाया जाता है और आवश्यकता अनुसार विंग नट की सहायता से ब्लेड को टाइट किया जाता है। नेक्स्ट टूल है फाइल, इसे रेती भी बोलते हैं, इससे किसी खुरदरे पदार्थ पर रगड़ कर उस पदार्थ को समतल या प्लेन किया जाता है, यह भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे फ्लैट फाइल, राउंड फाइल, सेमी राउंड फाइल। नेक्स्ट टूल है पुली पुलर, इस टूल का प्रयोग मोटर तथा जनरेटर में लगी शाफ्ट से पुली को उतारने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसमें तीन एडजस्टेबल लैग लगी होती है जिसे पुली पर फंसाकर नट को कसा जाता है और पुली आसानी से शाफ्ट पर से बाहर निकल जाती है।
और पुली तथा शाफ्ट दोनों खराब ही नहीं होते। नेक्स्ट टूल है बियरिंग पुलर। यह टूल पुली पुलर की तरह होता है। इसका प्रयोग शाफ्ट पर से बियरिंग को उतारने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं पावर टूल के बारे में। पावर टूल का मतलब जो बिजली से चलती हो। पावर टूल के अंतर्गत पहला टूल है इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन। यह इलेक्ट्रीशियन का महत्वपूर्ण टूल है। इसकी सहायता से लकड़ी, लोहा, पत्थर, दीवार आदि में सुराख किया जाता है। इसमें अलग अलग प्रकार की ड्रिल बिट लगाई जाती हैं। नेक्स्ट टूल है ग्राइंडर। इसका प्रयोग दीवार में झिरी लगाने तथा किसी वस्तु को काटने के भी काम आता है। इसमें आवश्यकता अनुसार ग्राइंडर ब्लेड लगाया जाता है। यह कार्य के अनुसार कई प्रकार की आती हैं। नेक्स्ट टूल है सोल्डरिंग आयरन। दोस्तों इसका प्रयोग तार तथा पीवीसी बोर्ड पर सोल्डर यानी टाका लगाने के लिए किया जाता है। सोल्डरिंग क्रिया सोल्डरिंग आयरन, सोल्डर यानी रांगा तथा फ्लक्स से किया जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं मेजरिंग टूल के बारे में। मेजरिंग टूल के अंतर्गत पहला टूल है मल्टीमीटर। इसकी सहायता से रेजिस्टेंस, वोल्टेज तथा एम्पियर चेक किया जाता है व कई प्रकार के कंपोनेंट भी चेक किया जाता है। नेक्स्ट टूल है मैगर। इसकी सहायता से इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक किया जाता है। यह हाई रेजिस्टेंस मापने का यंत्र है। इसका प्रयोग 1 मेगा ओम से अधिक रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टूल है फेज टेस्टर। आजकल फेज टेस्टर कई प्रकार के आने लगे हैं, जैसे डिजिटल तथा साधारण। इसकी सहायता से तारों का फेज यानी लाइव वायर चेक करने के लिए किया जाता है। यह 500 वोल्ट तक की क्षमता तक बनाए जाते हैं। इसके अंदर एक उच्च प्रतिरोध व एक नियान बल्ब लगा होता है। इसके टिप को तार पर लगाने व कैप को स्वयं छूने से टेस्टर जलने लगता है। नेक्स्ट टूल है एम्पियर मीटर। इसकी सहायता से तारों में एम्पियर यानी करंट चेक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टूल है वोल्ट मीटर। इसकी सहायता से वोल्टेज चेक किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।